Zombie Apocalypse. हेलो पांडे जी, एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस वेलकम्स यू ऑल बच्चा पार्टी खटैक। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट नंबर 3 में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक्स पर। और वो 3 टॉपिक्स हैं क्या? तो प्यारे बच्चों, वो 3 टॉपिक्स आप बोर्ड पर इजिली देख सकते हैं कि ये वो 3 टॉपिक्स हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है, जिसके साथ हम डिफरेंशिएशन के इस कॉन्सेप्ट को दी एंड करेंगे बड़ी अच्छे से, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और लास्ट में रहेगा आपके लिए असाइनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं सर, आज के इस लेक्चर में जो 3 टॉपिक रहेंगे ना पांडे जी, सबसे पहला टॉपिक है चेन रूल। सर, चेन रूल क्या है? चेन रूल मतलब हमें एक सीक्वेंस में चलना है, और तब तक चलना है जब तक हमारा काम नहीं हो जाता है, समझना इस बात को, मैंने थोड़ा हिंट में रखा है, ठीक है। चेन रूल सर, एक चेन में चलते रहना है जब तक कोई काम नहीं बन जाता है। सेकंड जो टॉपिक है कि सर, ये जो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हो, कभी साइन एक्स का डेरिवेटिव, कभी एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, कभी सर प्रोडक्ट रूल, कभी कोशेंट रूल, ठीक है, कभी एक्सपोनेंशियल, तो सर ये जो डिफरेंशिएशन के अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं पांडे जी, कि सर इनको हम फिजिक्स में कहां देखने को मिलता है, फिजिक्स में कहां अप्लाई करते हैं, यस, तो कुछ क्वेश्चन से तो अब पता चलेगा कि आपने जो डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग समझा है, जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनको आप फिजिक्स के क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हो या नहीं। तो हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन को हम कैसे यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये एक ऐसा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने मार्क भी किया, आप भी मार्क कर लेना, कॉपी पेन नोट्स वगैरह निकाल के बैठना, निखिल सर के साथ सिलेबस करना अच्छे से, एक एक टॉपिक पर सिलेबस करेंगे, क्लास 11th को निचोड़ देंगे अच्छे से करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले जो है, मतलब लास्ट टॉपिक जो रहेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि सर मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड इस डिफरेंशिएशन में, कैलकुलस के पार्ट में, फिजिक्स से जुड़कर बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है तो वो विदाउट डिफरेंशिएशन सोल्व नहीं होगा, उसके लिए डिफरेंशिएशन टूल जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, ये बेसिक मैथ सीखना पड़ेगा। तो बढ़े आज का पहला टॉपिक, फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, खत्म करते हैं चेन रूल, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएशन में। तो अब तक जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें, जैसे मैंने बोला एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, अभी ये समझना, इस पर मत आना क्या है, अब तक जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि सर वाई डायरेक्ट एक्स की टर्म में था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और मैंने बोल दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। तो आपने पहली बार में इसको खत्म कर दिया, 2x आंसर निकाल दिया, क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर की टर्म में, डायरेक्ट वाई एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्ट वाई एक्स की टर्म में नहीं मिलेगा आपको, और पूछेगा फिर भी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कहने का मतलब है, ठीक है, इधर समझो क्या कह रहे हैं सर ने लिखा है, सर कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू, पांडे जी कि सर वाई जो है वो यू क्या, यू की टर्म्स में यू का फंक्शन है, वाई इज द फंक्शन ऑफ यू, और सर जो यू है वो आगे चलकर एक्स का फंक्शन है, तो यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो मतलब सर एक वाई वेरिएबल है जो यू की टर्म में, और वही यू एक्स की टर्म में, और पूछा डी वाई पॉन डी एक्स है, तो क्या पहले वाला स्टेप इस्तेमाल कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा चेन रूल की तरफ। तो समझते हैं, चेन रूल तब अप्लाई करोगे जब कोई एक वेरिएबल किसी की टर्म में हो और वही किसी दूसरे की टर्म में हो, और पूछा डी वाई पॉन डी एक्स हो, तो करना क्या है? तो डी वाई पॉन डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले जो वाई जिसकी टर्म में है, वाई जिसकी टर्म में है, पहले इस वाई का डेरिवेटिव करो इसी की टर्म में, इसी के साथ, ठीक है। तो वाई यू की टर्म में, तो सबसे पहले कर दिया सर वाई को, तोड़ दिया यू के रिस्पेक्ट में, डी वाई पॉन डी यू। तो पहले चेन रूल का प्रोसीजर समझो, इसका फंक्शन समझो, मतलब क्या है अच्छे से बेसिक समझो। तो y पहले जिसकी टर्म में, पहले मैंने कर दिया सर डी वाई पॉन डी यू, फिर सर u जिसकी टर्म में है, मैंने उसका डेरिवेटिव कर दिया डी यू पॉन डी एक्स, ठीक है। और मार्कर गिर गया, आते हैं, हाँ, तो सर y का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, चाहिए सर डी वाई पॉन डी एक्स। तो थोड़ा सा जस्ट थिंक लिटिल अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना है, मनन करना है कि डी वाई पॉन डी एक्स कैसे आएगा, मेरे पास तो dy पॉन du है,
फिर डी अपॉन डी एक्स दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, चैन में काम कर दी, सीक्वेंस में काम कर दिया। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डिवाइड भी करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। मतलब अब जो बात बताने वाला हूं ना, उसको दिमाग में फिट कर लेना, स्टोर कर लेना, कि आपको तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है जब तक जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उस तक नहीं पहुंच जाते, या उसका नहीं हो जाता है, जब तक एक्स का नहीं हो जाता है, जैसा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, जब तक एक्स का नहीं हो जाता है। ये आप एक मंत्र मान सकते हो चेन रूल का सामने। तो वाई का हम तब तक करते रहेंगे जब तक एक्स का नहीं हो जाता। देखो लास्ट में एक्स पर पहुंच गया, पहले वाई का किया यू के रिस्पेक्ट में, फिर यू का किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जहां जिसके रिस्पेक्ट में पूछा था वहीं वो ही मिलेगा। आपकी यात्रा वहीं खत्म होगी जब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वहीं जाकर दी एंड होगा, और वो चेन रूल बन जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना आइडिया लग गया, समझ में आ गया कि सर चेन रूल का मतलब क्या। तो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर का ही तो पार्ट बचेगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब इस चेन रूल को समझने की बारी है कुछ क्वेश्चन से पांडे जी। तो कुछ क्वेश्चन यहां है, और इन क्वेश्चन को करने के बाद में तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर एंड कट हो जाएगा चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और इस क्वेश्चन से आज की इस डिफरेंशिएशन के पार्ट थ्री को बड़े अच्छे तरीके से हम समाप्त करेंगे, ठीक है, दी एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन पांडे जी, स्टेटमेंट समझा देता हूं, साथ साथ मैच करना। वाई है यू क्यूब प्लस टू यू, तो वाई यू की टर्म्स में है कि नहीं, और यू एक्स की टर्म में है। पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स से, पूछा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला टॉपिक आज का खत्म करना है। तो सर वाई दे रखा है यू क्यूब प्लस टू यू, और यू एक्स की टर्म में, पूछा वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तब तक करते रहेंगे जब तक एक्स का नहीं हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले तो वाई जिसकी टर्म में पहले, तो उसी की टर्म में करो, मतलब अलग से निकालो डी वाई अपॉन में डी यू। अब इसको निकालने के लिए कोई ज्यादा हमें माथा नहीं मारना है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। इसके पीछे के जितने भी पार्ट वन और पार्ट टू में आपने डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े हैं, बेसिक थ्योम्स पढ़ी हैं, उनको जस्ट अप्लाई करना है। एडिशन रूल है विद पावर फॉर्मूला, यू की पावर थ्री, तो डी वाई पुन डी यू, यू की रिस्पेक्ट में कर रहे, यू की टर्म्स में, तो सिंपल है, पहली बार में काम खत्म। पावर रूल है थ्री यू स्क्वायर, पावर आगे पावर में से कम, प्लस है तो प्लस का साइन, टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कोरोना, कॉन्स्टेंट एज इट इज। U का करना है U के रिस्पेक्ट में वन, तो सर आंसर आ गया थ्री यू स्केयर प्लस में टू। यह फाइनल आंसर नहीं आया पांडे जी, पूछा X के रिस्पेक्ट में है, तो अभी तो Y का U के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन Y का हमें X के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब चेन रूल करते रहना है। अब सर U का X के रिस्पेक्ट में निकाल दो, डी यू पॉन डी एक्स क्या है, X के रिस्पेक्ट में करना है, तो X का वन, कॉन्स्टेंट जीरो, वन प्लस आंसर आ गया वन। तो आपके पास डी यू पॉन डी एक्स अलग से वन है, और डी वाई पॉन डी यू है थ्री यू स्क्वायर प्लस टू, चाहिए वाई का एक्स के। तो क्या करना होगा, करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, क्वेश्चन सोल्व। तो आई थिंक आपको पहले क्वेश्चन से आइडिया लग गया कि सर अच्छा ऐसे सोल्व होता है क्या डिफरेंशिएशन में चेन रूल। डी वाई पॉन डी एक्स का मतलब जो पहले आपने y को तोड़ा है, y को डिफरेंशिएट किया u को, और फिर u को अलग से तोड़ा है x के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चंस को तोड़ते रहा करो, मजा आएगा। तो सर dy वाई पॉइंट डी वाई थ्री यू स्केयर प्लस में टू, और ये आया सर वन, तो आंसर आ गया आपका थ्री यू स्केयर प्लस टू, ठीक है। लेकिन इसको हम आगे और भी खोल सकते हैं, u किसकी टर्म में है, x प्लस वन, तो अब आप क्या करो u को रिप्लेस कर दो बाई x प्लस वन, तो थ्री एक्स प्लस वन की पावर टू वन, ठीक है, कितना स्केयर है, तो a प्लस बी का स्केयर खोल देंगे, ठीक है, इसको खोल देना। तो ये हमारे पास पांडे जी पहले क्वेश्चन का आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको आइडिया लग रहा है कि चेन रूल कैसे सोल्व करते हैं। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, धीरे धीरे कान के पर्दे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन खत्म, दूसरा कह रहा है कि सर y दे रखा है ए टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, a तो चलो कॉन्स्टेंट है, y किसके टर्म में, y t की टर्म में और x t की टर्म में, और पूछा है dy / dx, अरे गजब। तो
वापस यही मन, इसको दिमाग में स्टोर कर लो, तब तक करते रहेंगे जब तक x का नहीं हो जाता। तो सबसे पहले dy का करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर 2t पावर आ गई, x का अलग से t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, तो t 1 a कांस्टेंट आ गया। लेकिन सर dy अपॉन dx चाहिए, तो क्या करूं मैं, चेन रूल अप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं? अगर मैं इन दोनों को कर दूं ऐसे, डिवाइड कर दूं पंडित जी डिवाइड, अरे डिवाइड करने से सर डीटी से डीटी कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बच जाएगा, डीवाई अपॉन डीएक्स बच जाएगा। तो सर क्या आ गया हमारे पास, सर आंसर आ गया हमारे पास क्या, 2at अपॉन में a। तो सर हमारे पास देखो y इक्वल टू at स्क्वायर था तो 2at आ गया, ठीक है, x की हमारा पास a आ गया, dx अपॉन dt, a से a कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 2t, हमारे पास आंसर आ गया 2t। तो आपको t की वैल्यू भी आप रिप्लेस कर सकते हो, सिंपल x अपॉन a भी पुट कर सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो 2 into में x अपॉन a, यहां से t की वैल्यू x अपॉन a पुट कर दो, ये भी आपका आंसर है, ठीक है, यहां से यहां तक भी छोड़ दो, लेकिन कोशिश क्या करो कि t की भी हम जो वेरिएबल है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, जिसके रिस्पेक्ट में वही उसमें नजर आना चाहिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन में किया। तो आई थिंक पांडे जी ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया, अब एक तो खुद कर दो, ठीक है, चलो नहीं करेंगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, तो लास्ट में असाइनमेंट भी रहेगा, उसमें कर लेना घर बैठ के, देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन फोड़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर, जो आज का इस लेक्चर का पार्ट है कि सर डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कहाँ, ठीक है, अप्लाई करते हैं, मजा आएगा उसको सोल्व करने में, ठीक है, उस पर भी एक दो क्वेश्चन रहेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, वाई सर थीटा की टर्म में, पहले में वाई यू की टर्म में, अगले में वाई टी की टर्म में, वाई थीटा, तो क्या दिक्कत है, जिसकी टर्म में पहले उसका डेरिवेटिव कर दो, तो डी वाई का डेरिवेटिव करूंगा डी ऑफ थीटा, वाई थीटा की टर्म में, एंगल की टर्म में, तो एंगल की टर्म में रिस्पेक्ट कर दो, ए कॉन्स्टेंट है। सर साइन एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए तो आपने रूल बताया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस थीटा, वाई इक्वल टू डी वाई पॉइंट डी थीटा, क्या हो गया, ए कोस थीटा। सर एक्स भी कोस थीटा की टर्म में है, थीटा की टर्म में है, तो इसका भी कर दो डी एक्स पॉइंट डी थीटा, तो कितना आ गया, माइनस बी साइन थीटा, कोस थीटा को था माइनस साइन थीटा। सर मुझे डी वाई पॉइंट में डी एक्स चाहिए, तो कहां जाएंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक एक्स का नहीं हो जाता, थारे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इधर बढ़ो, तो dy वाई पॉइंट डी थीटा, डी एक्स पॉइंट डी थीटा, दोनों को मार दो डिवाइड, सर क्या आ गया, dy वाई पॉइंट डी एक्स आ गया, ठीक है, डिवाइड करने से ही तो dy वाई पॉइंट डी एक्स बनेगा या मल्टीप्लाई करने से बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी सर, हाँ। तो अब बात करते हैं cos थीटा पॉइंट साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो माइनस ए बाई बी इंटू में cot थीटा, यह आ गया पांडे जी इसका आंसर। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर के पहले पॉइंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर नॉलेज हो चुकी है, चेन रूल समझ में आ गया, होता क्या, कैसे अप्लाई करना है। तो अब हम देखें कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को कहां अप्लाई करते हैं, तब तक के लिए इसको उतारिए, समझिए, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, आते हैं। तो पांडे जी अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। तो सर ने यहां तीन क्वेश्चंस लिखे हैं और इन तीनों क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि सर अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसको फिजिक्स में हम कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट पांडे जी, ठीक है, इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ डिफरेंशिएशन का जो ये बेसिक टूल था मैथमेटिकल टूल में जो सर पढ़ा रहे हैं ये पढ़ना जरूरी था अगर आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं फिजिक्स के। तो देखो अब तक आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो इसमें मैच हो रहा है, यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए कुछ आपको नाइन्थ क्लास की नॉलेज भी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन स्पीड वेलोसिटी कुछ ऐसा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को एस बोला है कि किसी पार्टिकल की डिस्टेंस जो है टाइम के चेंज होने से, टाइम के बढ़ने से वेरी हो रही है, ठीक है। तो एक चीज से नोट करो इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने किन दो टर्म्स पर जो जोर दे रहा हूं, मैं किन दो टर्म्स पर बात कर रहा हूं, तो सर इसमें एक टर्म जो रह रही है वो तो रह रही है डिस्टेंस और दूसरा टाइम, तो कंफर्म है कि सर इसमें एक वेरिएबल एस है और दूसरा टी है, यही तो होता है डिफरेंशिएशन में, कोई एक वेरिएबल दूसरे के साथ चेंज करता है फिर उसका हम जो है चेंज उसमें रेट ऑफ चेंज देखते हैं कि उसके साथ कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन है। तो डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी कर रही है इस रिलेशन से, ठीक है, और
इस रिलेशन से पांडे जी आपको देख के ये नहीं लग रहा कि सर एस जो है वो तो टी की टर्म में है? अगर मैं एस का डेरिवेटिव करूंगा, एस का चेंज देखूंगा टी के रिस्पेक्ट में, तो जो चीजें मुझे चाहिए वो मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लग गया कि नहीं लग गया? अरे लग गया सर, मजा आ गया। तो एस इक्वल टू टू टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू, ये देखा है। और पूछा है कि सर पोजिशन बताओ, ठीक है, पूछा पांडे जी पोजिशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, ठीक एट द एंड ऑफ टू सेकेंड। स्टार्टिंग से जैसे ही वो जर्नी शुरू करता है तो एट द एंड ऑफ टू सेकेंड, ठीक सेकेंड सेकेंड के एंड के ऊपर उसकी पोजिशन क्या हो जाएगी, मतलब कितना चल लेगा वो, ठीक सेकेंड सेकेंड पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी। तो एक बात बताओ, नाइन्थ क्लास में पढ़ा पांडे जी, अब वो पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने बोला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको पता नहीं चल गया कि सर मुझे तो एस का डेरिवेटिव करूंगा टी के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ गया कि नहीं करना पड़ गया डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, ठीक है। मतलब जब आप एक बार डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, फिर जिस टाइम पर पूछिए उसमें वो टी पुट कर देना, वंस पर आ जाए। सर एक्सेलरेशन पढ़ा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन गिव्स यू। तो सर जो वेलोसिटी आएगी फिर मैं उसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा टी के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आएगा, और डायरेक्ट इसमें जिस टी पर पूछा है वो इसके अंदर पुट कर दूंगा पोजिशन आ जाएगी, इसके लिए तो कोई डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया पांडे जी कि करना कैसे है। तो स्टार्ट करें इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे जल्दी से एक बात बताइए, ठीक है, पोजिशन छोड़ दीजिए, वेलोसिटी निकालते हैं। सर वेलोसिटी हम जानते हैं डी एस अपॉन डी टी, और ये डिफरेंशिएशन का बन गया क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन की रिप्रेजेंटेशन होगी डी एस अपॉन डी टी। तो सर डी अपॉन में डी टी, एस को तोड़ूंगा टी के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिल जाएगी, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बन गया। एस दे रखा है टू टी क्यूब माइनस में थ्री टी स्क्वायर प्लस टू, और ये सोल्व करना तो बहुत अच्छे से आता है, बेसिक थ्योरम लगनी है। तो क्या आ गया, टू आ गया, पावर आ गई थ्री टी स्क्वायर माइनस में थ्री, टू आ गए टू टी, ये तो जीरो। तो पांडे जी हमारे पास आंसर आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है आपके पास, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है? सर वेलोसिटी होगी हमारे पास सिक्स टी स्क्वायर माइनस में सिक्स टी प्लस जीरो, ये हो गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं आया है, ठीक है, ये वेलोसिटी जो आई है ये आई है आपकी टी की टर्म में, लेकिन आपको वेलोसिटी पूछी कितनी सेकंड में दो, तो अब इसमें क्या कर लो, इसमें टी की वैल्यू दो पुट कर लो पांडे जी, आंसर आ जाएगा। तो सर v इक्वल टू सिक्स, टी का स्केयर टू का स्केयर फोर, सिक्स इंटू फोर माइनस में टू, तो कितना आ गया चौबीस माइनस बारह, तो मतलब दो सेकेंड बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो बारह मीटर पर सेकेंड। तो अगर डिफरेंशिएशन की नॉलेज नहीं होती तो क्या आप निकाल पाते क्या? इसलिए डिफरेंशिएशन पढ़ना जरूरी था। तो आगे मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जब आपको डिफरेंशिएशन की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, तो क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे डिफरेंशिएशन से जुड़ के। तो ये आगे सर वेलोसिटी, तो अब हमें निकालना एक्सेलरेशन। तो सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए सर जो वेलोसिटी टी के फंक्शन में आई है उसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहां पर जो वेलोसिटी आई है मेरे पास टी के फंक्शन में सिक्स टी स्क्वायर माइनस 60, अब यहां वेलोसिटी टी के फंक्शन में, और एक्सेलरेशन पता है कि सर जब मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव करूंगा टी के रिस्पेक्ट में तब मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा। तो कर दो इसको डेरिवेटिव, क्या आएगा डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी पुट कर दो 60 स्क्वायर माइनस 60, एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया 6 दुनी 12 टी माइनस में 6, दो सेकेंड में पूछा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 24 माइनस 6, आंसर आ गया कितना 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। तो आई होप कि आपको इस चीज का पता चल रहा है कि फिजिक्स के अंदर भी डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, और बोला भी था जब लेक्चर शुरू किया था। तो अब निकालना पोजीशन, अरे पोजीशन के लिए तो डायरेक्ट इसमें s इक्वल टू टू, t की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, कर दो इसमें कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है, और माइनस 12 प्लस 2, ठीक है, कितना आ गया, तो ये हमारे पास आ गया सर 6 मीटर ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, दो सेकंड्स में 6 मीटर। तो प्यारे बच्चों आई थिंक आप सभी को पता चल रहा है आसानी से कि सर कैसे सोल्व करते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार।
ठीक है, इतने में सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दिमाग में बिठाइए, रीड आउट कीजिए जल्दी से क्या पूछा है, ठीक है, और धीरे 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 कॉन्सेप्ट है और क्लियर होते जाएंगे। अब आपके पास इंक है, उस इंक की एक ड्रॉप मैंने किसी पेपर के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, तो उस ड्रॉप का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, पता है ना आपको, इंक का जो धब्बा होता है पेपर पे उसके ऊपर उसका साइज जो है बढ़ता जाएगा। तो टाइम के साथ, या हम कहें हाँ, तो इसने बोला पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लो कि द एरिया ऑफ ए ब्लॉट ऑफ इंक, सर उस इंक के धब्बे का साइज बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो इसमें दो वेरिएबल ढूंढो, एक तो सर ने बोला एरिया और एक बोला टाइम टी, तो मतलब ये कन्फर्म है कि एरिया टाइम की फंक्शन में मिलेगा। और वो दे भी रखा है पांडे जी कि सर उस इंक के धब्बे का साइज पेपर पे टी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो ए इक्वल टू 3t² प्लस टी बाई 5 + 7। कह रहा है कि 5 सेकंड बाद, अब जैसे ही आपने उस पेपर के ऊपर इंक की ड्रॉप ऐसे छोड़ी तो साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कह रहा है कि 5 सेकंड बाद में बताओ उसके एरिया में कितना इंक्रीज आ जाएगा चेंज। और जब भी ये चेंज वाले क्वेश्चन पूछे किसी के रिस्पेक्ट में तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए और कुछ सोचना नहीं, डिफरेंशिएशन से सोल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देख रहे हैं, सर ए दे रखा है एरिया टाइम के फंक्शन में, ठीक है, टी बाई 5 + 7, तो मुझे चाहिए रेट ऑफ इंक्रीज, रेट का मतलब है सर टी के रिस्पेक्ट में डी ए अपॉन डी टी निकालना है। और ये डी अपॉन डी टी बना दिया, डिफरेंशिएशन बन गया, फिजिक्स में जुड़ गया, ठीक है, तो क्या आ गया, तो डी अपॉन डी टी एरिया जो टी की टर्म में उतार दो 3t² प्लस टी बाई 5 + 7 कितना आ गया 6t + 1/5, टी का तो 1 हो जाएगा, 1/5 बजेगा, 7 का 0। और कब पूछा है, पांचवी सेकंड में, तो इसमें पुट कर दो एट टी इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहां 5 पुट कर दो, 6 × 5 = 30 प्लस 5 आंसर ले लो 5, ठीक है, कितना आ गया 151/5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एरिया आ गया आपके पास कितना, मीटर स्क्वायर, एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ गया हमारे पास इतना एरिया, ठीक है, ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो आई होप आपको पता चल रहा है कि फिजिक्स के अंदर हम कैसे सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद में अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, लेक्चर का अगला पार्ट है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की फिजिक्स में, सर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन का क्या मतलब है, तो बने रहना, उसके साथ हम खत्म करेंगे डिफरेंशिएशन को बड़े अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए बच्चों जल्दी। क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है ऐसे, जैसे पहले यहां था, थोड़ी देर में यहां हो गया, थोड़ी देर में यहां आ गया, थोड़ी देर में यहां आ गया, तो वो एंगल कवर कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वो एंगल में अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वेलोसिटी भी एंगुलर, एक्सेलरेशन भी एंगुलर, तो सारी बातें एंगुलर वाली। तो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझ लो फिजिक्स में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेरिएबल, आपको वेरिएबल्स पकड़ने, एक वेरिएबल थीटा दे रखा है, दूसरा टी, तो थीटा इज द फंक्शन ऑफ टी, टी स्क्वायर अपॉन 4t प्लस टी अपॉन 5 थीटा टी की टर्म्स में, पूछा एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी जो होती है पांडे जी वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट वैसी वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी, तो करना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा बोलते हैं, सिंबल है ये एंगुलर वेलोसिटी का, एंगल है तो वेलोसिटी ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी थीटा अपॉन डी टी। अरे डेरिवेटिव का क्वेश्चन बन गया कि नहीं, फिजिक्स में यूज हो गया कि नहीं, इसलिए बोलते हैं डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी अपॉन डी टी, थीटा कितना आ गया टी स्क्वायर अपॉन 4t प्लस टी अपॉन 5, अब तो ये डेरिवेटिव करना आता है, जो अब तक बेसिक थ्योरम्स पढ़ी उनको अप्लाई कर दो, कितना आ गया 2t अपॉन 4t प्लस 1/5, पूछा कब है 10वीं सेकंड में, ठीक है, तो इसमें 10 पुट कर दो, 2 × 10 अपॉन 40 प्लस 1/5, तो कितना आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1/5, ये हमारे पास आंसर है, इसका एलसीएम उलसीएम लेके सोल्व कर लेना। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे सोल्व करते हैं। तो अब हम अपने इस लेक्चर के लास्ट पार्ट को देखते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, तब तक के लिए इसको उतारिए, देखते हैं लास्ट पार्ट, और डिफरेंशिएशन को इन 3 पार्ट में बोला था, छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, अच्छे से करेंगे, इन तीनों को करने के बाद में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहती, सिर्फ बस्ती है वो बस्ती है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, आते हैं। तो पांडे जी अब हम देख रहे हैं आज किस लेक्चर का लास्ट पार्ट, और इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क कर लेना।
तो पंडित जी आज किस लेक्चर में लास्ट पार्ट रहेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैं एक चीज पहले बता दूं, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात आए किसी फंक्शन के अंदर स्लोप आ जाना चाहिए दिमाग में। अरे स्लोप सर, स्लोप के बारे में तो बहुत पढ़ा अब तक। स्लोप ये देखो ऐसा कुछ ग्राफ है, वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाया, मतलब हमने यहां पर लेट कर लिया कि सर लेट वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब इस ग्राफ के अंदर जो है देखो, स्टार्टिंग में स्लोप जो है आपकी घट रही घट रही घट के यहां पे जीरो हो गई है, या नेगेटिव स्लोप है, जीरो हो गई है। जब भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट को जब कोई टेंजेंट पास करे और पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, तो स्लोप यहां जीरो है। स्लोप का मतलब होता है डी वाई पॉन डी एक्स। सर यहां डी वाई पॉन डी एक्स जीरो है, मतलब सर यहां से यहां आप कहीं भी चले जाओ आपको वाई के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा। तो डी वाई पॉन डी एक्स जीरो है। सर यहां पर भी सर स्लोप जीरो है, डी वाई पॉन डी एक्स जीरो है। जब भी आपको जो टेंजेंट है बिल्कुल पैरेलल आए तो स्लोप जीरो। तो किन दो पॉइंट्स पर आपको स्लोप जीरो मिल रही है, एक्स वन पर और एक्स टू। और सर इन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप जीरो जरूर आ रही है, लेकिन एक बार मिनिमम पर आ रही है और एक बार मैक्सिमम पर आ रही है। तो मिनिमा और मैक्सिमा की तो कंडीशन इसलिए तो हम यूज करते हैं ग्राफ के अंदर। तो लेट कर लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स। और अगर y को मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी y को मैक्सिमम होना है, मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है, तो वहां पर आपको ये दिख रहा है कि स्लोप जीरो है, तो dy / dx को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। मतलब सर ये कंफर्म है फिजिक्स में कि सर अगर कोई भी चीज मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी तो उस पॉइंट पर उसकी स्लोप जीरो होगी, dy / dx स्लोप जीरो होगी। तो जैसे ही dy / dx को जीरो पुट करोगे तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक x1 मिलेगा और x2 मिलेगा पांडे जी। तो वी गेट x इक्वल टू x1 एंड x2। तो अब बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये तो बात थी मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा। तो y का स्लोप जो है जो dy / dx उस पॉइंट पर वो जीरो, जीरो करते ही दो पॉइंट मिल जाएंगे x1 और x2, ये मैक्सिमा ये मिनिमा। लेकिन कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन देखो क्या कहती है, इसको हम रब करते हैं, इसको उतार लेना साथ साथ में, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, तो बच्चों आपको लिखना है कंडीशन फॉर मिनिमा। लिखो कंडीशन फॉर मिनिमा। तो कंडीशन फॉर मिनिमा होती मैक्सिमम, आपको क्या करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मिनिमा कहां मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है सर एक्स इक्वल टू एक्स वन पर। तो एट एक्स इक्वल टू एक्स वन पर सबसे बेसिक बात है कि सर उसकी स्लोप जीरो मिलेगी, पक्का मिलेगी, तभी तो मिनिमा आएगा, ठीक है। और एट एक्स इक्वल टू एक्स वन पर आपको इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखना, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो। ये डी वाई पॉइंट डी एक्स की देखिए पावर वन है, इसका मतलब आपने वाई को, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एक ही बार किया। अगर कहीं ये आ जाए ऐसा, इसको बोलते हैं कि जो डी वाई पॉइंट डी एक्स आया, जैसे आपके पास आया, जैसे मैं बोलूं कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स है, जब आप इसका ये करते हो तो ये आपका एक बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। क्यों पावर, इसका अगर दोबारा डेरिवेटिव करना है तो इसको और कर सकते हो आप, इसका आंसर आ गया टू, ये आ गया। तो वही बात है कि जो dy / dx जो आएगा उसका एक बार दोबारा डेरिवेटिव कर दो उस x इक्वल टू x1 पर। अगर d स्क्वायर y / dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आता है, जैसे अभी 2 आया और 2 जो है 0 से बड़ा है, तो जब d स्क्वायर y / dx स्क्वायर की वैल्यू उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आएगी, तो वो जो x इक्वल टू x1 होगा वो मिनिमा देगा, ठीक है। उस x इक्वल टू x1 को उस y में पुट कर देना, वो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, y मिनिमम इतना होगा, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो ये कंडीशन फॉर मिनिमा, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको लिखना है कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ठीक है। अब मैक्सिमा कहां मिल रहा है, x इक्वल टू x2 पर, तो यहां लिखना है x2। और अभी सर ने बात बताई सही, मिनिमा हो आइदर मिनिमा और मैक्सिमा तो आपको dy / dx स्लोप तो जीरो मिलेगी ना, स्लोप जीरो है, जीरो है। लेकिन उस पॉइंट पर जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो, ये याद रखना। मैक्सिमा में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो, मिनिमा में ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में dy / dx जीरो, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मजा आएगा आपको। और आज के इस लेक्चर को हम बड़े अच्छे तरीके से दी एंड करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के साथ। तो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे। तो क्वेश्चन है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1, y x के टर्म में। बताना है कि इस ग्राफ के अंदर पैराबोलिक ग्राफ बनेगा क्योंकि y x के टर्म में है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y की मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो
आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है? तो पूछ लिया ना मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू का मतलब उस पॉइंट पर उसकी स्लोप जीरो। तो सबसे पहले तो डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालो, जीरो पुट करके वो पॉइंट देख लो कि वो पॉइंट कौन सा है, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लो कि ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। ठीक है, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना है, टू एक्स माइनस थ्री, ये डी वाई पॉइंट डी एक्स आ गया। एक बार डेरिवेटिव इसका तो एक बार और भी करेंगे, तो टू एक्स माइनस थ्री में अब इसको पुट कर दो जीरो, क्योंकि जीरो पुट करना है, इससे वो पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको मिल गया टू एक्स की पावर, टू एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स मिल गया थ्री बाई टू। कि सर थ्री बाई टू वो पॉइंट होगा, मतलब ये थ्री बाई टू वो पॉइंट होगा जहां पर इस फंक्शन की, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन कंडीशन चेक करनी, कंडीशन बोला था अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर वाई की मिनिमम वैल्यू देगा, इस पॉइंट पर वाई की मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब तक ये नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। दोबारा बोल रहा हूं सर, अगर ये पॉइंट यहां पुट करने पर वाई की मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आना चाहिए। तो चेक कर लो, बड़ा भी आ रहा है, तो ये डी वाई पॉइंट डी एक्स है। ठीक है, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, डी स्केयर वाई, एक बार और कर दो, एक्स का वन टू और टू टू तो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब सर आपने जो पॉइंट निकाला था ना थ्री बाई टू, वो y की मिनिमम वैल्यू देगा, तो पुट कर दो x की वैल्यू तीन बटे दो, इसमें y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो पांडे जी आई होप कि आपको इस चीज समझ में आ गई अच्छे से, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा डिफरेंशिएशन का, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पड़ी है, वो तो आपकी मर्जी से ही कितनी करो उतना बढ़िया होगा। तो एट x इक्वल टू थ्री बाई टू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, हमें y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखो y मिनिमम निकालना है, कितना आ गया थ्री बाई टू, नाइन बाई फोर माइनस नाइन बाई टू, ठीक है, प्लस वन, इसको सोल्व कर लो, आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई भाई की। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें तीन टॉपिक्स को हमने तोड़ दिया, फोड़ दिया, चेन रूल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, और लास्ट का पॉइंट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है आपको पॉइंट्स देखने, स्लोप जीरो करनी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। तो अब हम आपको असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस दें, तब तक के लिए इसको उतारिए और घर पे ट्राई करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन असाइनमेंट फॉर यू एज अ प्रैक्टिस, आते हैं। तो पांडे जी ये है आपका असाइनमेंट, अब तक हमने डिफरेंशिएशन के अंदर इस लेक्चर में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बस उन्हीं पर बेस्ड है, कुछ नहीं करना, ट्राई करना, उन क्वेश्चन को समझना है और यहां अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टू ए टी, एक्स टी का वाई टी का, एक्स का अलग से डेरिवेटिव करो टी के रिस्पेक्ट में, वाई का अलग से करो, डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालो। ठीक है, जैसा हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन है एक्स थीटा की टर्म में तो डी एक्स पॉइंट डी थीटा निकाल लो, वाई थीटा की टर्म्स में तो डी वाई पॉइंट डी थीटा निकाल लो, फिर डी वाई पॉइंट डी एक्स निकाल लो पांडे जी। अगला ऐसा क्वेश्चन तो अभी भी किया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है टू सेकंड्स के अंदर। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन जो है अच्छे से करना है, अभी किया है मैक्सिमा और मिनिमा, और जब भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो आपको पता है कि f दे रखा है 2 बाई साइन थीटा प्लस में रूट थ्री को सीटा, तो आपको निकालनी f की मिनिमम वैल्यू, तो आपको f का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू निकालनी उस पर, वहां पर इसकी स्लोप जीरो आएगी। तो डी एफ अपोन में डी थीटा जीरो पुट कर दो, वो एंगल मिल जाएगा, फिर पुट कर लेना, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो पांडे जी ये था हमारा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने बड़े अच्छे से तीन लेक्चर्स में कवर किया, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगी इंटीग्रेशन के लेक्चर्स, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे अपना मैकेनिक्स, स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैकेनिक्स का कोर्स वॉल्यूम वन शुरू करने जा रहे हैं, पर उसको करने के लिए यह पढ़ना जरूरी था जो हम स्किप नहीं कर सकते। तो तब तक के लिए इन लेक्चर्स को तैयार कीजिए, अगर आपका सिलेबस निखिल सर से अच्छे से हो रहा है, इस चैनल पे हो रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, तो दिल ठोक के कमेंट किया करो, अच्छा लगे ठीक है तो फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, घर रहिए, स्वस्थ रहिए और पेरेंट्स की सेवा करते रहिए। ठीक है।